जब आप सेंटलीनेस एसेटिक बन जाते हैं, जब आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों से मतलब रहता है, लोगों की सफरिंग से सिंपथाइज करने से रहता है आपका मतलब, तो उस टाइम आप सेंट हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं और सब दुनियावी चीज़ें वो त्याग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की चिंता करना। तो वो जो फोर क्वार्टर्स में जो T.S. एलियट ने कहा है कि जो एसेटिक हो जाता है और जब आप साधु हो जाते हैं, एसेटिक हो जाते हैं, सेंट हो जाते हैं, तो वो एक्चुअल में निर्वाण की स्थिति है। तो सिन्हा साहब एक तरह से निर्वाण की स्थिति में पहुंच गए थे। बिल्कुल मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लगातार हमारे शहर में हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी विभूतियों से मिल सकें जिन्होंने डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को देखा हो, उनकी शख्सियत के बारे में वो हमें बता सकें, समझा सकें, उसे फिर से रेखांकित कर सकें। और आज इस कड़ी के तहत हम हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी आप रहे डॉक्टर रामनिवास जी के पास, गुरुदेव के पास यहाँ पर हैं। आपकी अपनी तरह की एक ख़ास पकड़ अंग्रेजी साहित्य पर है और जो विद्यार्थी आपसे पढ़े वो आपके उच्चारण को, आपके ज्ञान के डायमेंशन को आत्मसात कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। और गुरुदेव के साथ आपका बहुत सुंदर सानिध्य रहा, गुरुदेव के प्रति डॉक्टर शर्मा के मन में बहुत श्रद्धा रही, विद्वान के तौर पर भी, व्यक्ति के तौर पर भी। तो हमने सोचा क्यों ना सर से मिलें और गुरुदेव के विषय में कुछ बातें जानते हैं। जब आपको पता चला कि गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो क्या सबसे पहले आपको सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आया, मन में क्या प्रतिक्रिया उठी? जब मुझे सुबह सुबह पता चला कि डॉक्टर सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और ख़ास तौर से क्योंकि जो उनके साथ हमारी मुलाकातें थीं, तो मुझे लगा कि अब जो विद्वता के लिए जाने जाते थे तो हम अपने सवाल किसके सामने रखेंगे, तो इसलिए बहुत ही एक अफसोस हुआ कि जिन जिज्ञासाओं के लिए हम उनके पास जाते थे तो अब किसके पास जाएंगे। और बिल्कुल, क्योंकि हमें तो लगता था कि पूरा शतक अपना पूरा करेंगे, और अभी ऐसा था भी नहीं कि वो जाने लायक थे उसमें, क्योंकि बहुत एक्टिव और बहुत ही आवाज़ में जो पैनापन था बिल्कुल तेज़ था उनके अंदर, तो कभी भी ये लगता ही नहीं था कि अभी कोई वो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग एक शादी में मिले थे, तो वहाँ पर भी बहुत हेल एंड हार्टी थे, ऑफकोर्स वो चल नहीं पा रहे थे, चलने में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन आवाज़ में वही जो उनके आवाज़ में जो दबंगपन था वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही था, तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कभी भी को बीमार है या उनमें कुछ है, बीमार तो थे ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए कभी लगा ही नहीं। तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए जब ये न्यूज़ सुनी कि सिन्हा साहब नहीं रहे, तो इट वाज रियली अ ग्रेट शॉक फॉर मी। मेरे उनसे मुलाकात 90s में हुई, 92-93 में मुलाकात हुई, तब से क्योंकि वो काफ़ी गोष्ठियों में जाते थे और बातचीत होती रहती थी, तो मेरा भी बड़ा शौक था कि गोष्ठियों में जाना और उनको भाषण सुनना, तो वहाँ से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, और हमारे एक मित्र हैं सुबह सिंह, गुरुकुल में आजकल प्रिंसिपल हैं, तो उनकी भी मुलाकात हुई, तो हम दोनों कभी कभी जाया भी करते थे, जो उनका जहाँ पहले रहते थे दराखेड़ा में छोटा सा घर था, तो वहाँ वो रहते थे, तो वहाँ पर हम कभी कभी जाया करते थे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद फिर मेरी वाइफ से भी मुलाकात हुई, और हमने एक शांतिनगर में घर बनाया था, और उस घर का उद्घाटन उन्होंने किया था, हवन उन्होंने किया था उस घर का, तो हमारी बिल्कुल तब से उनके साथ एक रिश्ता उनसे जो पक्के तौर से जुड़ा, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक रिश्ता उनके साथ हमारा रहा। देखिए, उनमें इतनी सारी बातें थीं, और ख़ास तौर से जो
दर्शन शास्त्र के रिलेटेड या दुनिया में जो प्रैक्टिकल, मतलब मैं उनको बहुत प्रैक्टिकल आदमी समझता हूँ, और जो विद्वान जन होते हैं वो बहुत साधारण सी भाषा में चीज़ों को समझा देते हैं। जैसे अभी प्रकरण चला था कि जो तुलसीदास की रामायण है उसके अंदर कुछ विवाद चला, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और बिल्कुल सही बात उन्होंने की, तो मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ, लेकिन लोग विवाद करते रहते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे हमारे हम लोग एक संस्था में काम करते हैं, एनजीओ है, जहाँ पर गरीब बच्चियाँ हैं और अनाथालय भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी वो आते थे, तो बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आते थे और हमेशा कहते थे जब भी कभी मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा ज़रूर, और हमेशा आते थे। तो जब काफ़ी दिन हो जाते थे तो कहते थे कि बुलाया नहीं, बहुत दिन हो गए। तो मतलब उनमें कोई भी कहीं भी जाने में उनमें कोई हिचक नहीं होती थी, और बच्चियों के लिए तो बहुत ही उनके आशीर्वाद रहते थे और हर तरह से मदद भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो इसलिए मुझे उनका उनके साथ उनके सारी मुलाकातें बहुत अच्छे से याद हैं। और मुझे याद है अभी रिसेंटली फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एक सेमिनार हुआ था, तो मैं भी उस सेमिनार में था उपस्थित। तो मैं उनसे मिलने गया तो ऊपर बैठे हुए थे स्टेज पर, नीचे से ही मैं उनको नमस्कार किया। उस वक्त तो चलने में असमर्थ थे, उठने में असमर्थ थे, और मुझे उन्होंने इतने अच्छे से लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जो बाहर से लोग आए हुए थे, और हमेशा मेरे को कहा करते थे कि ये बहुत विद्वान हैं, बहुत स्कॉलर हैं, लेकिन खैर उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ हूँ बिल्कुल। लेकिन उनका एक जो आशीर्वाद, उनका एक जो सब लोगों की प्रशंसा करना, सबके सामने प्रशंसा करना, वो उनकी बहुत बड़ी बात होती थी। और उसमें कोई भी कभी भी उनमें मैंने कटुता नहीं देखी कभी किसी के प्रति, तो हमेशा बहुत प्रेम, बहुत प्यार हमेशा उनके मुंह से झलकता था, और मन से था एक्चुअली, खाली कहने में नहीं था, बिल्कुल जो भी कुछ कहते थे वो मन से कहते थे और मन से सबको बहुत इज्जत देते थे। तो यही एक पंडित की जो पहचान होती है, जिसको हम पंडित कहते हैं, जो स्कॉलर होता है उसको हम लोग पंडित कहते हैं। तो बिल्कुल वो एक तरह से जो आदमी के ह्यूमनिज्म के उसके एक तरह से वो पंडित थे बिल्कुल, और सबको बिल्कुल सबका मन मोह लेते थे, और बहुत सिंपल भाषा में कठिन से कठिन चीज़ों को समझा देते थे, इसलिए वो धारा प्रवाह बोलते थे। और कभी लोग सुनने में बोर नहीं होते थे, जैसे लोग कई लोग होते हैं ना बहुत बोलते रहते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन उनमें इतना ह्यूमर के साथ वो चीज़ों को कहते थे। और जो ह्यूमर है वो एक स्कॉलर ही कर सकता है, एक जो पंडित होता है, महापंडित होता है, उसी के मुँह से वो ह्यूमर भी आता है, और जिसको ज्ञान होता है वही सिंपल भी होता है, और वही हमेशा जो है विनय भी होता है। तो हमेशा जो है बहुत जैसे कहते हैं कि डाउन टू अर्थ वो हमेशा रहते थे, कभी वो उनमें कभी प्राइड की बात नहीं थी, कभी घमंड की बात नहीं थी, और सबके साथ एक जैसे मिलना, कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना। तो ये उनकी, क्योंकि उनका ये मानना था कि आदमी सब एक है, परमात्मा एक है, और हम वहीं से सब आए हैं, और इसलिए कोई भी भेदभाव नहीं, तो सबको एक समान एक दृष्टि से देखते थे। इसलिए आप देखेंगे कि सब लोगों में वो बिल्कुल पॉपुलर थे, ऐसा नहीं कि एक क्लास एक वर्ग में वो पॉपुलर थे, ऐसा नहीं, सब तरह के लोगों में बहुत पॉपुलर थे। तो ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सबके साथ अपने आप को एक साथ कर पाते हैं, तो इसलिए आत्मसात वो कर लेते थे एक तरह से कहना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वही लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है, जो अज्ञानी लोग होते हैं जिसमें कम ज्ञान होता है वो दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन सिन्हा साहब में कभी भी ऐसी बात नहीं थी कि वो सुपीरियर हैं, वो किसी से ऊपर हैं, जस्ट एक बहुत इनोसेंट, बहुत मासूमियत के साथ वो लोगों से मिलते थे, और
कभी कोई उम्मीद नहीं करता था कि इतने बड़े स्कॉलर होंगे, लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े प्रकांड पंडित, हर एक क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए, तो सब क्षेत्र में उनका बहुत एक आधिपत्य था बिल्कुल। और फिलासफी की तो बात ही क्या, खासतौर से जो इंडियन फिलासफी है, अद्वैतिज्म, तो उसका तो उनका कोई सानी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा उनका वो रहता था इस तरह से। तो बिल्कुल उनके जाने से मुझे लगता है जो खालीपन है वो भरना बड़ा मुश्किल है, खासतौर से स्कॉलरशिप के मामले में, विद्वता के मामले में। और उन जो हमारे उत्कंठाएं होती थी, जो हमारे सवाल होते थे, उनके जवाब देने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे सामने है, क्योंकि वो हर तरह के सवाल का जवाब देते थे, बड़े आसानी से देते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खास बात थी। अब मैं उनको बहुत सिंपल और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्रकांड पंडित मानता हूँ, और बिल्कुल सीधे साधे से, क्योंकि उनमें कोई छल कपट तो मुझे कभी नज़र आया ही नहीं। तो बहुत उनकी जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल सीधी साधी सी, और लेकिन जब बात करेंगे तो उनसे बड़ा कोई स्कॉलर नहीं, उनसे बड़ा कोई पंडित नहीं, तो ये खास बात थी उनके अंदर। तो बिल्कुल सहिष्णु बिल्कुल होते थे, क्योंकि आज की दुनिया में टॉलरेंट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत टॉलरेंट थे, उनमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी। और टॉलरेंस उन्हीं में होती है जिनमें कुछ ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वही जो झुकता है, अदरवाइज़ कोई और नहीं झुकता। जैसे जिस पेड़ के अंदर फल होते हैं वही पेड़ झुकता है, बाकी तो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं। तो वो विनम्रता के एक मूर्ति थे बिल्कुल, बहुत विनम्र आदमी, बहुत विनम्र पर्सनालिटी उनकी थी। ऐसी मैंने पर्सनालिटी किसी की देखी नहीं है जितनी सिन्हा साहब की थी, इतने प्रकांड पंडित और विनम्र। ये बहुत बड़ी उनकी पर्सनालिटी है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी और के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे रामायण में जिक्र आता है तो मित्रों के बारे में, किष्कंधा कांड में है, अब मेरे को लाइन तो याद नहीं है, लेकिन सातवां आठवां दोहा है, तो वहाँ पर वो मित्रों की बात करते हैं। तो वो ऐसे मित्रों के मित्र थे कि हर आपातकाल में, क्योंकि मित्रों की जो परख होती है वो आपातकाल में ही होती है, और जब भी कोई आपातकाल आता था तो वो हमेशा वहाँ खड़े रहते थे। तो बिल्कुल वो जो तुलसीदास ने कहा है, तो बिल्कुल वो उनके ऊपर होता है। और देखिए, जो विद्वान होता है, जो सागर होता है, सागर कभी भी थोड़ा सा पानी आने से इतराता नहीं है, वो सबको समाहित कर लेता है। तो जैसे तुलसीदास ने कहा है किष्कंधा कांड में, तो उसी तरह से जो छोटे लोग होते हैं एकदम बिफर जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी नदी होती है, समुद्र होता है, वो बिफरता नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सेंट जैसे साधु होते हैं, तो जो सेंटलीनेस यही होती है कि किसी की खुशी में खुश नहीं, किसी के गम में गम नहीं, लेकिन एक न्यूट्रल, एक बिल्कुल उस तरह से रहना कि तो वो जैसे T.S. Eliot कहते हैं फोर क्वार्टर्स में, कि दैट इज़ जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं, जब आप सेंट हो जाते हैं, जब आप एसेटिक हो जाते हैं, तो दैट इज़ ए रियल डांस। तो सिन्हा साहब में, एंड दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ द निर्वाण, फोर क्वार्टर्स में T.S. Eliot ने लिखा है कि वो निर्वाण की स्थिति है जब आप सेंटलीनेस, एसेटिक बन जाते हैं, जब आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों से मतलब रहता है, लोगों की सफरिंग से सिंपथाइज करने से रहता है आपका मतलब, तो उस टाइम आप सेंट हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, और सब दुनियावी चीज़ों को त्याग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की चिंता करना। तो वो जो फोर क्वार्टर्स में जो T.S. Eliot ने कहा है कि जो एसेटिक हो जाता है, और जब आप साधु हो जाते हैं, एसेटिक हो जाते हैं, सेंट हो जाते हैं, तो वो एक्चुअल में निर्वाण की स्थिति है। तो सिन्हा साहब एक तरह से निर्वाण की स्थिति में पहुंच गए थे बिल्कुल।
क्योंकि साधु थे, कोई दुनियावी और इस तरह के मटेरियलिज्म, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती थी उनसे कोई उनको लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंसान की चिंता करते थे, आदमी का भला कैसे हो, तो सिर्फ और सिर्फ यही उनका ध्येय था। तो यही उनको बनाती है कि वो निर्वाण की स्थिति में पहुंच गए थे। तो यही टी एस एलियट के हिसाब से वो निर्वाण की स्थिति में पहुंच गए थे। अच्छा एक सर, वो जैसे जो सिन्हा जी का जो जीवन दर्शन रहा है या उनके अध्यात्म का जो स्वरूप रहा है या धर्म को लेकर उनकी जो मान्यता रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो जो धर्म की बात है वो एक तरह से ऐसा नहीं था कि कोई कट्टर उनको रिलीजन था, वो पालन करते थे, क्योंकि धर्म का मतलब ये होता है कि जो धार्यते, जो हम फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स मैं उसकी बड़ी परिभाषा में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका धर्म एक ह्यूमनिस्टिक था बिल्कुल, जिसको हम ह्यूमनिज्म कहते हैं, मानवतावादी। तो वो मानवतावादी रिलीजन था। बाकी पूजा पद्धति अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि वो कट्टरपंथ थे बिल्कुल, जैसे कई लोग होते हैं कि नहीं हिंदू कोई मानना है और ये देवी देवताओं को मानना है, तो ऐसा उनका मैंने नहीं कभी देखा। वो सिर्फ एक बात कहते थे कि अच्छा आचरण हो और इंसान की मदद की जाए बिना किसी भेदभाव के। तो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे कि ये छोटा है बड़ा है, ये जात इस जात का उस जात का, ये उनके लिए कोई मैटर ही नहीं था। तो धर्म का उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि मानवता, और बाकी उनका ज्ञान था, दर्शन था उनका, और दर्शन यही था कि सब बराबर हैं और सब इंसान हैं। सबसे पहले तो धर्म उनका यही था। बाकी उनको सब जो फिलॉसफी, खास तौर से जो भारतीय दर्शन है, उसका बहुत बड़ा ज्ञान था, और उसमें कोई भी नहीं है, जहाँ पर आप एक तरह से ब्रह्म को, एक ब्रह्म के जो उनकी दर्शन था उनको, उसका उनका तो उन्हीं को मानते थे बिल्कुल। बस मैं तो यही कहूँगा कि जो सिन्हा साहब के जाने से मुझे व्यक्तिगत लॉस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़े समाज को भी बहुत लॉस हुआ, क्योंकि उनके विचार अब तो सिर्फ YouTube में रह गए, लेकिन जो साक्षात रूप से जो हमें विचार सुनने को मिलते थे तो वो अब हमें नहीं मिलेंगे, उनसे हम लोग वंचित हो गए। और जो हमारे सवाल होते थे वो हमारे अनुत्तरित रह जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।